नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। कोतवाली के लिए दिया अपने जनमानस और कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के लोगों की सहूलियत के लिए कोतवाली बनी हुई है। ये महान गुलजारी लाल चौबे जी जो दानदाता हैं, महान पुरुष हैं, हमारे इस बाग इस क्षेत्र की महान विभूति हैं, उन्होंने दिया था। जो तीसरा एक आसमान मंदिर पीछे बना हुआ है जस्ट कोतवाली के बगल से, वो भी कन्या पाठशाला है जो हमारी बच्चों की बेटियों की पढ़ाई के लिए जो विद्यालय के लिए जगह दी थी जिसमें बना हुआ तैयार है। 70 साल से लगभग हम लोग वहीं अपने पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण कर रहे थे, लेकिन कुछ गुंडों ने, अराजक तत्वों के लोगों ने, मानसिकता के लोगों ने इसमें कुछ षड्यंत्र के तहत उस पर ताला डलवा दिया है। तो उस ताले को देखते हुए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ के क्षेत्र के सभी लोग एजिम साहब के पास गए, उन्होंने वहाँ ध्वजारोहण के लिए हमको अनुमति दी है। और दूसरी समस्या, आज हम जो कोतवाली में खड़े हैं, यहाँ की इस सरकार की जो आज तानाशाही हिटलरशाही हो रही थी, अभी चौरंगा हार में एक लड़के का परसों मर्डर कर दिया है, और उसको जबकि मेडिकल रिपोर्ट के लिए हमारे ये आए हुए हैं, मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए विलम्ब किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आखिर कब तक इन लोगों के साथ ऐसी हिटलरशाही करते रहेंगे, आखिर समझ जाएं। कल भी आपने देखा मोदी जी ने रैली की है, विशाल रैली का रूप दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि योगी के नाक के नीचे व्यापारी रो रहा है। 15 जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।